नमस्कार, मैं रमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नेशनल हाईवे पर, और ये बकरेड़ी पर हम खड़े हैं। महरे के पास में बकरेड़ी जगह है, और यहाँ पर नेशनल हाईवे के ऊपर एक बड़ा सा खड्डा पड़ा हुआ है। आपको मैं पहले दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन एक बार दिखाएंगे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, लगभग एक साल से पहले ये बनाई गई थी, और अभी इसमें फिर खड्डा पड़ गया। और ज्यादातर ये देखा गया है कि यहाँ पर हर एक समय इस तरह की समस्या रहती है। इसके पीछे जो कारण है वो मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पानी आता है रोड के साइड में, ये सारा का सारा पानी यहाँ पर बहना शुरू हो जाता है। और जबकि इसको सीमेंटेड बनाया गया है, इसको सीमेंटेड बनाने के बाद में भी ये यहाँ जो खड्डा है वो यहाँ से हटता नहीं है। अब यहाँ पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो समस्या है ये एक दिन की नहीं है। इसके ऊपर लगातार पहले भी इस तरह की समस्या रही थी, उसके बाद इसको सीमेंट का बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब ये जो खड्डा आप देख रहे हैं, ये खड्डा किसी भी समय किसी बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इसका जो कारण है वो ये है कि जो गाड़ियां इधर से आती हैं वो अपनी लेन से निकलकर दूसरी लेन में चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है। इसी तरह से भी कोई भी हादसा हो सकता है, पानी भरा हुआ हो तो कोई भी गिर सकता है। कि जो खड्डा पड़ा हुआ है, लगभग 2 से 3 महीने हो गए इस खड्डे को पड़े हुए, इसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया। बरसातों का मौसम है, पानी यहाँ रुक सकता है, कोई आदमी बाइक वाला स्कूटर वाला गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती है। तो क्या जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के संज्ञान में ये बातें नहीं आती हैं कि आखिर इस तरह के खड्डे जो पड़े रहते हैं उनको क्यों ठीक नहीं किया जाता है? ठेकेदार को अगर रोड मेंटेनेंस पे दिया गया है और उसकी जिम्मेवारी बनती है मेंटेनेंस करना, तो आखिर ठेकेदार क्यों मेंटेनेंस नहीं करता है? मैं आपको पहले दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर ये बस आ रही है, आप देखेंगे अभी यहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ से जितने भी बाइक वाले निकलते हैं बस वाले निकलते हैं, अभी तो जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं तो सब लोग अपनी लेन में चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि जैसे ही यहाँ पर थोड़ा रोड खाली होता है तो लोग अपनी लेन बदल लेते हैं, और उधर से आने वाले लोग और इधर से जाने वाले लोग एक ही लेन में चलते हैं, जो कि किसी हादसे का कारण बन सकता है। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज को ये थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन साहब को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि ये खड्डा यहाँ जो है वो जल्दी ठीक किया जाए, ताकि जो दुर्घटनाएं होने के चांसेस हैं वो कम हो सकें, और लोगों की जो सुविधाएं देने की बात सरकारें करती हैं, प्रशासन करता है, वो भी पूरी हो सकें। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से, थैंक यू वेरी मच।